अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए ये बच्चा नाली साफ कर रहा था। चेन्नई महिला ने पढ़ाई की ली जिम्मेदारी। चेन्नई पुलिस के इस नए काम के लिए एक लाइक तो बनता ही है। शिक्षा सभी का अधिकार है, मगर आर्थिक तंगी और मजबूरी के चलते कई मासूम बच्चों को अपना बचपन और शिक्षा त्यागना पड़ता है ताकि वो अपना पेट भरने के लिए 2 जून की रोटी जुटा सके। कुछ ऐसी ही कहानी एक 16 साल के बच्चे की है। ये बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहा था। वो अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए नाली साफ करने का काम कर रहा था। अब इस बच्चे के लगन को देखते हुए चेन्नई पुलिस इसकी सहायता के लिए आगे आई। बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए ऐलान किया गया। चेन्नई के कोयम्बेदू बाजार के पास नाला है। एल सैमुअल नाम का लड़का इस नाले की सफाई कर रहा था। वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। अपनी शिक्षा के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। सैमुअल का संघर्ष देखते हुए पोलियनथोप के डिप्टी कमिश्नर राजेश कन्नन और अन्ना नगर के डिप्टी कमिश्नर जवाहर ने उसे 2 टैबलेट डिवाइस दिए ताकि वो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रख सके। इसके अलावा उन्होंने उसका दाखिला फुल स्कॉलरशिप के साथ डॉन बॉस्को स्कूल में 11वीं क्लास में करवा दिया। इसके साथ ही एसीपी ए अरुण के आदेश पर चेन्नई पुलिस ने सैमुअल की बहन का दाखिला भी एनईईटी कोचिंग में करवा दिया ताकि वो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरी कर सके। तो इस घटना के बाद चेन्नई पुलिस के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।